मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले निकाय चुनाव की जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में प्रशासन ने कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। बता दें, ये जानकारी ऑनलाइन मांगी गई थी। इसी के चलते प्रशासन ने कड़ा फैसला लेते हुए सभी विभाग के कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी थी। वहीं इसके बाद विभाग ने आनन-फानन में कर्मचारियों की जानकारियां ऑनलाइन सबमिट कराई। इसके बारे में जिला कलेक्टर का कहना है कि निर्णय के बाद सभी की जानकारी प्राप्त हो गई है और सभी का वेतन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शंस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में कॉन्डक्ट होंगे, तो उसके पहले सभी विभागों में कौन कौन पदस्थ हैं, कहाँ पदस्थ हैं, इसकी पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है। और चूंकि कुछ विभागों के द्वारा वो जानकारी प्रेषित करने में विलंब किया जा रहा था, तो इसलिए ये मेजर हार्ड मेजर लिया गया था कि जब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक वेतन को रोका जाएगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि लगभग सभी विभागों से जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त हो गई हैं एंड जो वेतन है वो भी टाइमली ही रिलीज हो गए।